दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया और चाइना के न्यूक्लियर कॉपरेशन के बारे में, जिसके चलते 19 मई 2021 को रशिया और चाइना ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया था, जहां उनके बीच हुई एक पुरानी न्यूक्लियर डील के तहत बिगेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का इनॉग्रेशन हुआ। ये डील 2018 में हुई थी, जिसके तहत रशिया और चाइना ज्वाइंटली 4 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने वाले हैं, और ये प्रोजेक्ट्स चाइना के 2 सिटीज में लोकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बनाए जाएंगे। इस डील का सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि इसकी साइनिंग में खुद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मौजूद थे। वैसे तो ये न्यूक्लियर कॉपरेशन पीसफुल एनर्जी जनरेशन के लिए है, क्योंकि चाइना और रशिया ने क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए अपने इस न्यूक्लियर कॉपरेशन को और ज्यादा डीपन करने की बात भी कही है। लेकिन ये डील ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंजेस और उसके फ्यूचर कोर्स को भी इंडिकेट करती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे इस न्यूक्लियर डील के एनर्जी प्रोस्पेक्ट्स के अलावा चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स और उसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि रशिया, चाइना, यूएसए के पावर पॉलिटिक्स का कॉम्प्लेक्स इतिहास हमें इस न्यूक्लियर डील को एनालाइज करने में कैसे मदद करता है, और इंडिया के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। रशियन न्यूक्लियर कंपनी रोसातम ने 2018 की डील को इन दोनों कंट्रीज के हिस्ट्री की बिगेस्ट डील की तरह अनाउंस किया था। इस पैकेज में टोटल 4 जनरेशन 3 प्लस VVER 1200 रिएक्टर यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन, CFR 600 फास्ट रिएक्टर पायलट प्रोजेक्ट में कॉपरेशन, और चाइना के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए पावर सोर्स की तरह एक्ट करने वाला रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर RITEG का सप्लाई इंक्लूडेड थे। ये रिएक्टर यूनिट जियांगसू सिटी में लोकेटेड तियानवान न्यूक्लियर पावर प्लांट और लियाओनिंग के जुडापू न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि रशिया के पास दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिसका फायदा उठाकर ही शायद चाइना अपने न्यूक्लियर एनर्जी को इम्प्रूव करने के प्लान में है। इसके अलावा पेरिस डील में अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए भी चाइना के लिए ये डील इम्पोर्टेंट है, जो उसके कोल पावर पर रिलायंस को कम करने में हेल्प करेगी और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के सपने में मददगार होगी। नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के हिसाब से चाइना में लगभग 49 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो उसे दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर में थर्ड लार्जेस्ट देश बनाता है। इसके अलावा चाइना न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 2035 तक 200 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी इंस्टॉल करने में सफल होंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस डील के इम्प्लीकेशंस फार रीचिंग है, और ये सिर्फ एक एनर्जी डील नहीं है, और ये समझना जरूरी है कि कैसे ये डील हमें चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स को समझने में हेल्प करती है। दोस्तों, जैसे जैसे यूएसए के साथ इन दोनों देशों की दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। चाइना यूएसए राइवलरी हमें पिछले कुछ सालों में कई सारे फील्ड्स में देखने को मिली। साउथ चाइना सी में चाइनीज एक्सपेंशन से लेकर ट्रेड वॉर्स तक इस बात का सबूत है कि इनके संबंध काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। इसके अलावा यूएसए रशिया के संबंध भी 2014 के क्राइमियन एनेक्सेशन के बाद से लगातार खराब हुए हैं, जो रशिया के G8 ग्रुपिंग से बेदखली में दिखते हैं। इस राइवलरी का एक पहलू सीरियन क्राइसिस में भी देखा गया है, जहां रशिया एक्टिवली सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा है, वहीं यूएसए रिबेल फोर्सेस को सपोर्ट करता है। रशिया चाइना न्यूक्लियर डील भी शायद इसी राइवलरी का प्रोडक्ट है। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में रशियन अफेयर्स के एक्सपर्ट यांग जिन के हिसाब से बीजिंग मॉस्को रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट राइजिंग वेस्टर्न प्रेशर के खिलाफ एक रिएक्शन है। G8 से रशिया का रिमूवल और यूएसए के सैंक्शंस ने रशिया को वेस्ट से आइसोलेट कर दिया, नतीजन वो चाइना की तरफ झुकने लगा। रशिया के एम्बेसडर एंड्री केले ने रूटर्स को बताया भी था कि G7 का लगातार रशिया के खिलाफ बेसलेस और एग्रेसिव स्टैंस रशिया को ना चाहते हुए भी चाइना की तरफ पुश कर रहा है। ये रिस्पांस G7 के 12,400 वर्ड के स्टेटमेंट के बाद आया, जिसमें बोला गया कि रशिया अपनी यूक्रेन पॉलिसी के चलते दुनिया पर एक डिस्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस है। ये डील चाइना पाकिस्तान रशिया नेक्सस की तरफ भी इंडिकेट करती है। वैसे तो इंडो रशियन रिलेशंस हमेशा से काफी अच्छे रहे हैं। सिप्री की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2014 से 2019 के बीच इंडिया रशिया आर्म्स का मेजर रेसिपिएंट रहा है, जो रशिया के टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट का 25% है, और रशिया से इंडिया का 49% आर्म्स इंपोर्ट होता है, यानी रशिया इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आर्म्स है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया पिछले कुछ सालों में यूएसए की तरफ झुका है, जो 2006 के इंडो यूएस न्यूक्लियर डील और क्वाड एंगेजमेंट जैसे लैंडमार्क इवेंट में दिखता है। प्रोफेसर सी राजा मोहन की माने तो इंडिया का यूएसए की तरफ ये झुकाव रशिया को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से भी रशिया अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है और चाइना की तरफ जा रहा है। इसका रिजल्ट ये भी है कि रशिया पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशंस को सुधारने की कोशिश में है। रशिया और पाकिस्तान के इम्प्रूविंग रिलेशंस ने राइजिंग रशिया पाकिस्तान चाइना नेक्सस के स्पेकुलेशन को और भी हवा दी है।
ये इम्प्रूविंग रिलेशन 2016 के चाइना, पाकिस्तान और रशिया के अफगानिस्तान पर हुए एक डिस्कशन में शायद सबसे पहले दिखा। उसके अलावा पाकिस्तान का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में इंक्लूजन भी इस नेक्सस को पुख्ता करता है। इसके अलावा पाकिस्तान का रशिया और चाइना की तरफ झुकाव भी चैलेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स का ही नतीजा है। पाकिस्तान कोल्ड वॉर के समय USA का एलाई था और सोवियत इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन सोवियत के फॉल के बाद धीरे धीरे USA और पाकिस्तान के रिश्ते कमजोर होते गए। जब 2014 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को USA की तरफ से जाने वाले मिलिट्री असिस्टेंस को फ्रीज कर दिया तो ये टाइज और भी ज्यादा खराब हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को भी इंडिया और USA ने ग्लोबल फोरम्स में क्रिटिसाइज किया है, जिसके चलते पाकिस्तान भी USA से हटकर अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। नतीजन 2017 में हमने देखा कि रशिया और पाकिस्तान ने एक मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जो आर्म सप्लाई और वेपन डेवलपमेंट के लिए था। एक साल बाद इस डिसीजन ने मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए एक कमीशन को भी जन्म दिया। इसके अलावा रशिया पाकिस्तान को LNG सप्लाई करने के प्रोस्पेक्ट्स को भी एनालाइज कर रहा है और एक रीजनल पाइपलाइन बनाने के प्लान में है। इन दोनों देशों का बायलेटरल ट्रेड भी 2017 में $600 मिलियन से बढ़कर $800 मिलियन हो गया है। लेकिन क्या रशिया और चाइना का क्लोजनेस और उसमें पाकिस्तान का एंगल इस बात का दावा है कि ये टाइज एंटी इंडिया और एंटी USA अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं? इस बात को समझने के लिए हमें इन सभी पावर्स के हिस्टोरिकल टाइज और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की जरूरत है। दोस्तों, रशिया और चाइना के रिलेशन हिस्टोरिकली काफी कॉम्प्लेक्स रहे हैं। इन दोनों देशों के तत्कालीन प्रेसिडेंट जोसेफ स्टालिन और माओ ज़ेडोंग ने 1950 में एक फॉर्मल ट्रीटी साइन की थी। इस दौरान सोवियत ने चाइना में न सिर्फ इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट किया बल्कि उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर कर एक न्यूक्लियर पावर भी बना दिया। लेकिन 60 के दशक में इन दोनों कम्युनिस्ट स्टेट्स का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उनके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से हटकर जियोपॉलिटिक्स में शिफ्ट हो गया। 1916 में इनके बीच हुए 7 month लॉन्ग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में इनके रिलेशंस को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट किया। इसी हिस्टोरिकल टाइमलाइन में एंट्री होती है इंडिया की। रशिया चाइना ब्रेकअप ने इंडिया के लिए स्पेस ओपन कर दिया जो उसे सोवियत के साथ पार्टनरशिप में हेल्प करने वाला था। इंडिया के लिए यह पार्टनरशिप चाइना को काउंटर करने के लिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि 1962 में सिनो इंडियन वॉर ने सिनो इंडियन रिलेशंस को भी खराब कर दिया था। इन वजहों से इंडिया USSR रिलेशंस में एक बड़ा टर्न दिखा जिसका नतीजा था सोवियत का इंडिया के मेजर पार्टनर की तरह उभरना। इस फ्रेंडशिप का इम्पैक्ट हमें 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी देखने को मिला जहां सोवियत ने इंडिया को काफी सपोर्ट किया। खैर, सोवियत चाइना राइवलरी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी क्योंकि 1980s में USA का USSR के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते USSR ने चाइना के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश चालू कर दी जो USSR के फॉल के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। वैसे USSR के कोलैप्स के बाद ऐसा लग रहा था कि रशिया अब USA और वेस्ट की तरफ जाएगा, लेकिन वेस्ट ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मजबूरन रशिया को चाइना की तरफ जाना पड़ा। इसके अलावा रशिया जो आज इंडिया के USA की तरफ के झुकाव को पसंद नहीं करता, उसके USA के साथ रिलेशंस भी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। मॉस्को और वॉशिंगटन वर्ल्ड वॉर टू में अलाइज थे जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ज्यादा दिन तक नहीं टिका और दुनिया दो जोन्स में डिवाइड हो गई और कोल्ड वॉर का जन्म हुआ। लेकिन 1969 में सिनो रशियन कॉन्फ्लिक्ट के बाद USSR अमेरिका के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करने की कोशिश में लग गया था और उसका एक रिजल्ट था USA USSR के बीच साइन हुए डील्स जो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल के फाउंडेशन स्टोन्स थे। इसमें पहले ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन या फिर NPT एग्जिस्टेंस में आया और उसके बाद USA और USSR ने स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी START-1 भी साइन की। एशिया में कॉम्प्लेक्स रिलेशंस इंडिया और रशिया के भी रहे हैं। इंडिया कश्मीर को लेकर सोवियत और बाद में रशिया के UNSC में वीटो से खुश तो था, लेकिन एक राइजिंग बाइपोलैरिटी को लेकर हमेशा से सस्पिशियस था। यही कारण है कि इंडिया ने इन प्रिंसिपल हमेशा नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट किया भले ही उसकी रियल पॉलिटिक्स कुछ भी रही हो। इंडिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उसके ग्लोबल एम्बिशंस USA और USSR की राइवलरी और उनके ग्लोबल एम्बिशन से डिसाइड हो, इसलिए इंडिया ने अपना डिस्कम्फर्ट हमेशा जाहिर किया और ऑफिशियली कभी भी किसी के साथ मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं हुआ। इंडिया का ये डिस्कम्फर्ट हमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी सिस्टम के साथ भी दिखता है जिसे उसने आज तक साइन नहीं किया। इंडिया के हिसाब से USSR और USA NPT के थ्रू ये इंश्योर करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर की मोनोपोली सिर्फ उनके पास रहे ताकि बाकी देशों की पॉलिटिक्स को वो दोनों अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। इसके अलावा रशिया का हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस भी इंडिया के सस्पेशन को जोर देता है और उसने कभी भी मॉस्को के एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस को सपोर्ट नहीं किया। एशिया में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हमें चाइना और USA के बीच भी दिखता है। हमारा एक जनरल परसेप्शन ये है कि चाइना कम्युनिस्ट स्टेट होने की वजह से हमेशा से USA का राइवल रहा है,
लेकिन दोस्तों अगर हम हिस्ट्री को एनालाइज करें तो ये पता चलता है कि भले ही चाइना ने कोरियन वॉर में यूएसए के खिलाफ स्टैंड लिया, लेकिन उसका मेन सस्पिशन रशिया ही था। प्रोफेसर सी राजा मोहन की माने तो चाइना केवल एक पुराने चाइनीज डिक्टम अलाइनिंग विद द फार टू बैलेंस द नियर को फॉलो कर रहा था। यही वजह है कि 1969 में हुए सिनो रशियन वॉर के बाद माओ ज़ेडुंग का झुकाव भी यूएसए की तरफ बढ़ा ताकि वो रशियन थ्रेट को काउंटर कर सकें। माओ के बाद डेंग ज़ियाओपिंग ने भी यूएसएसआर के साथ 1950 की सिक्योरिटी ट्रीटी को एक्सटेंड करने से मना कर दिया और ये ट्रीटी 1980 में एक्सपायर हो गई। डेंग ने यूएसएसआर को छोड़ यूएसए और वेस्ट के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स एक्सपेंड करने का काम किया, जिसके चलते ही उसकी इकोनॉमी आज रशिया से 9 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड पावर के पावर पॉलिटिक्स का ये कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री हमें ये बताता है कि इंटरनेशनल अरीना में पावर बैलेंसेस आइडियोलॉजी के बेसिस पर कम और प्रैग्मेटिज्म और रियल पॉलिटिक पर ज्यादा ऑपरेट होती हैं और वो समय समय पे बदलती रहती हैं। यूएसए रशिया और चाइना के ट्रायंगुलर डायनेमिक्स में होने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स इस बात के रिमाइंडर हैं कि चाइना और रशिया के बीच इंप्रूविंग एंगेजमेंट थ्रू न्यूक्लियर डील्स शायद लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे और आने वाले समय में ये रिलेशंस भी चेंज होंगे। इसके अलावा भले ही रशिया और चाइना इंडिया के क्वाड अलायंस को एशियन नेटो बोलकर डिसप्लेजर एक्सप्रेस कर रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी भी यूएसए के साथ स्पेशल बायलिटरल पार्टनरशिप्स को खत्म नहीं किया। ये बात भी हिस्टोरिकली प्रूवन है कि अमेरिका के चाइना और रशिया के साथ टाइज भी परमानेंटली फ्रोजन मोड में नहीं रहने वाले। ऊपर के एनालिसिस के हिसाब से रशिया चाइना के न्यूक्लियर एंगेजमेंट से इंडिया को परेशानी नहीं होनी चाहिए और उसे अपने रिलेशंस को डिप्लोमेटिक मैनेवरिंग के थ्रू मैनेज करते रहना चाहिए, वैसे ही जैसे पास्ट में किया है। इंडिया ने कोल्ड वॉर की पावर पॉलिटिक्स के बावजूद अपने प्रैग्मेटिज्म से खुद को एक मैसिव इकॉनमी की तरह खड़ा किया और आज 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है। यही वजह है कि इन ग्रेट पावर्स के राइवलरी में हम काफी बेहतर पोजीशन पर हैं और हमारा बार्गेनिंग पावर काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा रशिया पाकिस्तान नेक्सस भी ज्यादा चिंताजनक नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया ट्रेड 2017 में $10 बिलियन का रहा है, जबकि रशिया के पाकिस्तान के साथ ट्रेड $1 बिलियन से भी कम है। डिफेंस में 2018 में इंडिया ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील साइन की, जिसकी कॉस्ट $5.2 बिलियन था। इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन वर्थ $3 बिलियन की डील अकेले रशिया पाकिस्तान के टोटल ट्रेड से कई गुना ज्यादा है। कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया को अपने रिलेशंस को सक्सेसफुली बैलेंस करना है ताकि फ्यूचर में होने वाले जियोपॉलिटिकल चर्निंग में वो अपने इंटरेस्ट को इंश्योर कर सके और ग्लोबल पावर्स की रेवलरी में ट्रैप ना हो जाए। प्रोफेसर सी राजा मोहन की माने तो इंडिया का हिस्टोरिकल हेजिटेंसी को छोड़ यूएसए के साथ पार्टनरशिप्स को इम्प्रूव करना एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी है और इसी प्रैग्मेटिज्म को ध्यान में रख इंडिया को रशिया के साथ हिस्टोरिकल टाइज को भी मेंटेन करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो के इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।